नमस्कार, मैं हूं दीदी शर्मा। डीडी समाचार में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। इटावा जनपद में हो रही आए दिन लूट की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो लुटेरों को धर दबोचा। विगत दिनों राहगीरों से हुई लूट की घटनाओं की रोकथाम के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा अपराधियों की धर पकड़ हेतु सीओ नगर की देखरेख में कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने लूट और छिनेती की घटना करित करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, आज दो साथी लुटेरे पकड़े गए हैं जिनसे दो घटनाओं का अनावरण हुआ है। एक 19 जुलाई को प्रातःकाल चलते समय पत्रकार महोदय के गले की चेन छीन ली गई थी, वो चेन बरामद हुई है। 31 तारीख को एक लड़की से मोबाइल छीना गया था, मोबाइल बरामद हुआ है। और ये दोनों अभियुक्त का एक गैंग है जिसमें कभी और भी बहुत से लोग बाहर हैं, जिसके लिए गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें सक्रिय हैं और उनको गिरफ्तार करके अन्य घटनाओं का भी अनावरण किया जाए। पंच पालीवाल समाज धरियावाद के संरक्षक रामचंद्र पालीवाल एवं अध्यक्ष गेंदमल पालीवाल के निर्देश पर नव युवक मंडल अध्यक्ष नवीन पालीवाल के नेतृत्व में ऐतिहासिक तौर पर लगातार दूसरे वर्ष स्टार श्रेणी अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संभागीय अध्यक्ष ओम पालीवाल बांसवाड़ा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। पालीवाल समाज धरियावाद ने पालीवाल नवीन मंडल के प्रयास से समाज के होनहार छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए पिछले वर्ष की 42 वर्ष की पारितोषिक वितरण अवार्ड पारितोषिक वितरण समारोह रखा, जिसमें मेधावी छात्रों को स्टार शाइन अवार्ड और सबसे टॉपर को स्टार गोल्ड अवार्ड और फर्स्ट डिवीजन अवार्ड से सम्मानित किया। नदबे व्यापार मंडल ने मंडल अध्यक्ष शिव दयाल गोयल व पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश चंद्र जिंदल के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी राजेश गोयल के प्रमोशन होने पर व स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंडी प्रांगण में कर विदाई दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडी सचिव राजेश कर्दम द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि SDM राजेश गोयल, नव आगंतु SDM नीरज कुमार मीणा, तहसीलदार गिरिराज बंसल, व्यापार महासंघ अध्यक्ष सतीश चंद्र गर्ग, बिजेंद्र देशवाल, पालिका उपाध्यक्ष अजय जैन रहे। इस अवसर पर SDM राजेश गोयल के कार्यकाल की प्रशंसा की गई और इस मौके पर अरुण कुमार सरदार सिंह, व्यापार मंडल मंत्री वीरी सिंह, ग्रीस कुमार, फतेह चंद्र साबोरा, डॉक्टर आरपी गुप्ता आदि व्यापारीगण मौजूद रहे। झुंझुनू कस्बे के निकटवर्ती भानावाली ढाणी के गढ़ का पाना में पिछले कुछ दिनों से श्री महादेव क्रिकेट क्लब की ओर से चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुआ। इस प्रतियोगिता के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी व युवा नेता विक्रम सिंह जाखल और युवा नेता राजकिशोर सैनी रहे। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में नांगल टीम विजेता व परसरामपुरा टीम उपविजेता रही। पधारे हुए अतिथियों ने आकर्षक ट्रॉफी प्रदान कर बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि खेल ही समाज को संगठित बनाता है और युवाओं को आगे बढ़कर लक्ष्य पाने की प्रेरणा देता है। वहीं क्लब के कार्यकर्ताओं ने मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर समस्त कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। बरेली जिले में लगातार हो रही बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बारिश की वजह से जिले में बन रहे बरेली सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 फरीदपुर में धंस गया है। 7 साल से बन रहे इस हाईवे का 80% काम पूरा हो चुका है। इस हाईवे को 2600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर फरीदपुर बाईपास पर इस तैयार हाईवे पर कई जगह कटाव हो गया है। कटाव होने की वजह से 5 फीट से अधिक गहरे गड्ढे हो गए हैं। हाईवे पर गहरे गड्ढे होने की वजह से NH अथॉरिटी ने बाईपास को पूरी तरह से बंद कर दिया है। देखिए, जो फरीदपुर का बाईपास है, वो सूचना मिली बरसात की वजह से वहाँ कच्ची मिट्टी पड़ी हुई थी तो वो खिसक गई है। मैंने परसों ही इसका निरीक्षण किया था और इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी। कल भी मैंने देखा और NHAI के लोग आए थे और कल उन्होंने रूट को, वो बाईपास को बंद कर दिया है। तो चूंकि बाईपास जो है वो जा रहा था और शहर से होकर गाड़ियां जो है वो अभी निकल रही हैं, तो यातायात में कोई समस्या नहीं है, लेकिन NHAI वालों से बात हुई है कि वो तत्काल उसको ठीक कराएंगे। अब इस संबंध में रिपोर्टिंग हो चुकी है, अब जो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है, अब इस पर जो कार्रवाई है वो ऊपर से ही तय होगी।
मिशन तंदुरुस्त पंजाब के अंतर्गत कंडी इलाके के नौजवानों को आर्मी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती होने के लिए प्राथमिक शिक्षा संबंधी लगाए गए कैंप का समापन समारोह गांव मैली के स्कूल में किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर डीसी होशियारपुर ईशा कालिया शामिल रही। इस अवसर पर उनके साथ गौतम जैन, हरोड़ फंसु धालीवाल, एसडीएम भूपेंद्र सिंह, तहसीलदार मेजर अमित सरिंग, मोता सिंह, जेई प्रिंसिपल हरमित कौर और सरपंच चरणजीत सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर डीसी होशियारपुर ईशा कालिया ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी काम को करते हुए असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन होशियारपुर वालों सैन्य शक्ति एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो 2 महीने पहला जिसका आगाज हुआ सी। वो अज असी जेडे साडे ट्रेनिंग कैंडिडेट्स है उन्होंने अज मिलन आए सी। तो मैं बहुत खुशी है कि बहुत वधिया उन्होंने ट्रेनिंग चल रही है जिस आर्मी विच नियुक्ति वास्ते उन्होंने तैयारी कराई जाती है, चाहे रिटन टेस्ट की हो या फिजिकल एग्जाम क्लीयर करने की हो। तो अज असी फीडबैक उन्होंने को लिता है कि कितना उन्होंने ट्रेनिंग चल रही है, प्लस उन्होंने ये मोटिवेट किया है कि इस ट्रेनिंग में सीरीयसली लैन, ताकि अभी एक पिंड में कलस्टर बन के चल रहा है, अगे भी इसको विकसित करना चाहते हैं जो सूँ वधिया रिस्पॉन्स एक थान तो मिलता है।